जे कोई पोलिटिकल बंदा धरना लावे ना समझ आउंदा जे अज इंडस्ट्री सड़कां ते आ गई समझो सरकार हुण चल नहीं सकदी। रीढ़ की हड्डी मनी जाती है सरकार की इंडस्ट्री रीढ़ की हड्डी होंगी अज रीढ़ की हड्डी नुकसान हो रहा है जेडे मुख्यमंत्री के मंत्री ने तनखा लैनी है वह इंडस्ट्री के टैक्सा लैनी है इंडस्ट्री पुछे बैठी है अज थोड़े चैनल से इस गल का चैलेंज करता है साढ़े इलाके च किसी ने एसीडी देनी नहीं बिजली बोर्ड का कोई अफसर साढ़े इलाके च पलास लैके आ गया तुन के रख देंगे कुछ रैत मंगन नहीं आए ये नहीं कहना आए कि जनानियों हजार हजार रुपया दे दो या 300 यूनिट फ्री बिजली दे दो ये मंगन नहीं आए धक्का जिहड़ा साडे नाल कीता असीं बर्दाश्त नहीं करना इट ना इट खड़का के छड़ांगे जिन्ना असीं बिल दिंदे आ डेढ़ गुणा एडवांस मंगिया जदों असीं 50-50 साल पहले कनैक्शन लए सीगे उदों जो कानून दी सिक्योरिटी सी दित्ती है अज 50 साल बाद दोबारा पैसे किस चीज़ दे इन्हां ने धक्का सरकार ने कारण कहती है जी पुरानी सिक्योरिटी घट सी तो 50 साल पहले और 50 साल पहले भगवंत मान जी तुसी नहीं सी जम्मे लगता पंजाब का व्यापारी अज एक बार फिर सड़कां तों उतरिया वा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा वा तस्वीरां दिखा दिंदे आ सो भगवंत मान सरकार का पुतला साड़िया जा रहा वा गलबात भी करांगे व्यापारियों के नाल नाल तस्वीरां दिखावांगे सो वड्डी तदार च व्यापारी इत्थे पहुंचे ने प्रोटेस्ट कर रहे ने सो तस्वीर तुसीं देख सकते हो भगवंत मान का पुतला भी साड़िया जा रहा वा कहा जा रहा है कि जो बिजली के एडवांस बिल मंगे जा रहे ने उसके खिलाफ यह प्रदर्शन कर रहे ने व्यापारी सो यह बिजली दफ्तर गिल रोड के बाहर यह प्रदर्शन किया जा रहा वा एक घंटे का मौन रखा गया उस तो बाद प्रदर्शन किया जा रहा वा अर्थी फूक प्रदर्शन आ सो व्यापारी सरकार तो नाराज हो गए ने वक् वक् इंडस्ट्रियों संबंधित यह व्यापारी प्रदर्शन कर रहे ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है पावर कॉम महकमे के खिलाफ यह नारेबाजी की जा रही है गलबात कर लेने ठुकराल जी की अगुवाई प्रदर्शन हो रहा ठुकराल जी प्रोटेस्ट कर रहे हो की कहना चाहोगे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन दे रहे हो अज सरकार का काला दिन है अज जे सरकार दे हुंदे आ इंडस्ट्री सड़कां ते बह जे एदू माड़ा समा नहीं हो सकता असीं ओह बंदे आ जिहड़ियां आप मशीनां चलाउंदे आ अज फैक्ट्रियां बंद करके असीं सड़कां ते बैठे आ इह सरकार दी फेल गौरमेंट आ जे कोई पोलिटिकल बंदा धरना लावे ना समझ आउंदा जे अज इंडस्ट्री सड़कां ते आ गई समझो सरकार हुण चल नहीं सकदी रीढ़ की हड्डी मनी जाती है सरकार की इंडस्ट्री रीढ़ की हड्डी होंगी अज रीढ़ की हड्डी नुकसान हो रहा है जेडे मुख्यमंत्री के मंत्री ने तनखा लैनी है वह इंडस्ट्री के टैक्सा लैनी है इंडस्ट्री पुछे बैठी है अज थोड़े चैनल से इस गल का चैलेंज करता है साडे इलाके च किसी ने एसीडी देनी नहीं बिजली बोर्ड का कोई अफसर साडे इलाके च पलास लैके आ गया तुन के रख देंगे असी बढ़न नहीं देने चैलेंज है उस सरकार नूं ते बिजली बोर्ड नूं असी सरकार तो कुछ मंगदे नहीं कुछ रैत मंगन नहीं आए ये नहीं कहना आए कि जनानियों नूं हजार हजार रुपया दे दो या 300 यूनिट फ्री बिजली दे दो ये मंगन नहीं आए धक्का जिहड़ा साडे नाल कीता असी बर्दाश्त नहीं करना इट ना इट खड़का के छड़ांगे सो चावला जी तुसीं भी नाल खड़े हो सैकंड इंडस्ट्री नाल खड़ी होगी आके की कहना चाहोगे सरकार दी सरकार की चाहती है देखो सरकार चाहती है पहले वोट फिर चोट वोटा पाती चोट असी मारांगे जे साडे हकां दे उपर आ बिजली बोर्ड दे जुर्माने नहीं हैगे इन्हां ने 45 दिन दा जिन्ना असी बिल दिंदे आ डेढ़ गुणा एडवांस मंगिया जदों असी 50-50 साल पहले कनैक्शन लए सीगे उदों जो कानून दी सिक्योरिटी सी दित्ती है अज 50 साल बाद दोबारा पैसे किस चीज दे इन्हां ने धक्का सरकार ने कारण कहती है जी पुरानी सिक्योरिटी घट सी तो 50 साल पहले और 50 साल पहले भगवंत मान जी तुसी नहीं सी जम्मे लगता अज नवा कानून क्यों नवा कानून नवे कंज्यूमर नु कहोगे मर्जी हो कनेक्शन लो इथे हैगी मोनोपोली बिजली बोर्ड दी अज चाहिए चार बंदे सप्लाई करने वाले होन फिर बिजली बोर्ड साडे को सिक्योरिटी मांग के देखे फिर पता लगूगा एडवांस कंजम्पशन जिहड़ी सिक्योरिटी मंग रहे हो ओ तुसी एक बड़ा वड्डा धक्का कर रहे हो छोटी इंडस्ट्री नाल वड्डी इंडस्ट्री नाल ए नहीं सहया जाएगा अज इंडस्ट्री मजबूर हो गई है मंदे दे दौर तो बाद भी अज धुप्पे बंदे बैठे है सरकार बैठी एसिया च जेडे साडे टैक्सा तो पैसे लेंदे हो बैठे एसिया ते कर दाता देन वाला दाता अज सड़क ते बैठा जदों ए समा आ जाए समझो राजे दी सिंघासन हिलन दा समा आ गया इंडस्ट्री ये धक्का नहीं सहेगी एसीडी जिहड़ी नवा फरमान है वापस लो पुरानियां सिक्योरिटियां दा इंटरेस्ट दियो
फिर असी गल करांगे। अज जिन्ने मेरे MLA बने ने 92 MLA चुकी होनी चाहिदी सी 3 दिन पहला। अज उह धरने च MLA क्यों नहीं बैठे जो वोटां मंगण कर कर गए सीगे, अज उहनां नूं धरने च आउण लग्गिआ शर्म आउंदी है। इहदा मतलब उह गुलाम बन गए ने सरकारां दे, उह नुमाइंदे ने पबलिक दे, सरकारां दे गुलाम नहीं हैगे। उहनूं समझ आओ, इह धक्का वापस कराओ ते फौरी तौर ते इंडस्ट्री कोलों माफी मंगी जावे कि इह धक्का गलत कीता वा, तां इंडस्ट्री दा मन शांत होएगा। ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਲਪਟਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਮਝੋ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਵਾਂ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਰ ਪਾਈ? ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ 50-50 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਮੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਹੇਅਰਿੰਗ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵੇ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਂਗੇ? ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾਈਏ? ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। 14,000 ਕੇ ਮਿਲੇ ਰਾਜ ਨੇ ਵਪਾਰੀ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬਿੱਲ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। 92 MLA ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ। ਸੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬਿੱਲ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿੰਦੂ, ਜਗਮੈਨ TV, ਲੁਧਿਆਣਾ।